गिरफ्तार होंगे केजरीवाल। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप इसमें लगे। अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल। इसमें देरी करेगी तो हमें अगर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा, हम कोर्ट जाएंगे और FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। आम आदमी पार्टी के आ गए हैं बुरे दिन। 24 फॉरेन विजिट्स मौज मस्ती के लिए बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी जरूरत के करेंगे। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस ने शुंगलू समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर इस संबंध में शिकायत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के सभी वार्ड प्रत्याशियों ने भी अपने क्षेत्र के थानों में शिकायत दर्ज करा दी है। और पुलिस कमिश्नर से हमारी मांग है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री पंडित के खिलाफ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में FIR दर्ज की जाए। माकन की माने तो शुंगलू समिति की रिपोर्ट में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जगह, आवास और कार्यालय आवंटित किए हैं और कई अपने लोगों को गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां दी है। माकन ने केजरीवाल पर विदेशों में मौज करने का भी आरोप लगाया। अपने खुद के लिए खुद के रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे गए हैं। अपने खुद के लिए सैकड़ों करोड़ की जमीन, कई एकड़ की जमीन अपने लिए अलॉट करी गई है, जो गलत है, जो भ्रष्टाचार। अगर ये नहीं है तो फिर क्या भ्रष्टाचार है? और फिर 24 फॉरेन विजिट्स मौज मस्ती के लिए बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी जरूरत के करे गए, तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार के बहुत सारी फाइलों में शुंगलू कमेटी ने पाया है और इसके ऊपर FIR। दिल्ली में MCD चुनाव से पहले कांग्रेस ने 272 वार्डों के अपने अपने थाना क्षेत्रों में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ शिकायत कर दी है। अब देखना ये होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे केजरीवाल क्या गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। वायरल कीड़ा न्यूज़।